नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा, वायरल हुआ वीडियो। आपको बता दें कि अलीगढ़ में ऑटो का किराया नहीं देने पर हुए विवाद के बाद ट्रैफिक सिपाही को सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, जिसमें उसकी वर्दी भी फाड़ दी गई। घटना गांधी पार्क क्षेत्र के दुबे के पड़ाव चौराहे पर हुई। सूचना पर इलाका पुलिस पहुंच गई और पुलिस के सामने भी लोगों ने सिपाही को पीटना जारी रखा। वही एसपी सिटी ने मामले की जाँच की बात कही है। आपको बता दें कि दुबे के पड़ाव पर मौजूद लोगों के मुताबिक मदार गेट चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने ऑटो रिक्शा रोक कर कहा कि उसे दुबे के पड़ाव चौराहे तक जाना है। चालक ने सिपाही को बैठा लिया और पड़ाव पर पहुंचने के बाद चालक ने किराया मांगा तो सिपाही रवि कुमार भड़क गया और उसने चालक के साथ अभद्रता शुरू कर दी, जिसको देखते हुए अन्य यात्रियों ने विरोध किया। जिस बात पर सिपाही रवि कुमार ने एक यात्री को चाटा मार दिया, जिससे यात्री के मुंह से खून बहने लगा। ये देख कर अन्य यात्री भड़क गए और उन्होंने रवि कुमार की पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद रवि कुमार ने भी अपने अन्य साथियों को बुला लिया और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया। अब घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं इस बारे में आरटीओ मोहसिन खान का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के साथ लोगों द्वारा मारपीट की गई है। इलाका पुलिस को मौके पर भेजा गया है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला, ना ही संबंध में किसी पक्ष ने कोई शिकायत की है। इस संबंध में एक वीडियो मिला है, उस वीडियो के आधार पर घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और घटना की वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ।